एक व्यक्ति सुबह नहा धोकर अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहा था। उसका मित्र भी वहां पर आया, पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो आप? उसने बोला, मैं अपने ससुराल जा रहा हूं, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? और वो व्यक्ति भी खाली निकट्ठू था, कहता, ठीक है जी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मेरी भी आवभगत हो जाएगी, मेरी भी सेवा हो जाएगी, मुझे भी भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास कपड़े तो है नहीं, कपड़े तो मेरे बहुत गंदे हैं। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तू मेरे में से इनमें से कोई भी कपड़े छांट ले और अच्छे से कपड़े पहन ले तू। उसने कपड़े वपड़े सब उसके पहन लिए। अब वो मित्र अपने दूसरे मित्र को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में दोनों की जमकर सेवा हुई, जैसे दामाद की सेवा हुई वैसे उसके साथी की भी सेवा हुई। ससुराल वाले ने पूछा अपने दामाद से, भैया ये तुम्हारे साथ जो आए ये कौन हैं? वो व्यक्ति अपने ससुरालियों से बोला कि ये मेरा परम मित्र है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं। इस बात पर तो वो बहुत नाराज हो गया कि तू अपने ससुराल मुझे लेकर आया है, तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी कि कपड़े मेरे हैं, तूने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। वो क्या सोचते होंगे कि मेरे पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं हैं। मित्र बोला, भैया माफ़ कर दे, आगे मैं नहीं कहूँगा। अब वो गांव में, क्योंकि ससुराल में गया था, आज उसके चाचा ताऊ भी कहीं रहते थे लड़की के, और वो किसी और चाचा ताऊ के यहाँ चले गए। वहाँ पर भी उनकी बहुत आव भगत हो गई, बहुत सेवा हुई। वहाँ पर भी जब ये सेवा हो गई तो उनके चाचा ताऊ ने, लड़की के चाचा ताऊ ने दामाद से पूछा कि ये मित्र कौन है, ये कौन है? ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, लेकिन जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो इनके अपने ही हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वहाँ पर भी उस बात को, ये बात उसको चुभ गई उसके मित्र को, उसको फिर उससे नाराज हो गया कि तुझे कपड़ों के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुझे क्यों बोला तूने ये कपड़े मेरे हैं? वो तो इसका उल्टा मतलब निकालेंगे। अब मित्र बोला, ठीक है भाई, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अब मुझसे गलती नहीं होगी, आओ दूसरे चाचा के यहाँ चलते। अब तीसरी जगह गए वो। अब तीसरे जहाँ चाचा के यहाँ गए, उन्होंने भी बहुत उसकी आव भगत की, सेवा की। उन्होंने भी पूछा, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, आपके घर पे भी कोई मेहमान आएगा तो आप पूछोगे आपके साथ इनके साथ आए कौन है ये। उन्होंने भी यही सवाल किया कि ये आपके साथ आए ये कौन है? उन्होंने भी यही बोला कि ये मेरे बड़े परम मित्र हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, लेकिन जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं आपको बताऊँगा, ना कुछ बोलूँगा। अब इस बात को लेकर फिर वो नाराज हो गया कि अरे महानुभव, ये तू क्या बोल रहा है, तू बार बार ये कपड़ों का जिक्र ही क्यों करता है? लोग मेरे बारे में पूछते हैं, अब आप कपड़ों पर आ जाते हो।